1946 में ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के चलते अपनी बहू को पीट पीट कर मार डाला। सेक्टर 34 पुलिस थाना के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी, लड़की के घर वाले भी इकट्ठे हुए। घर में महिला ने लगाया फंदा। जी हां, चंडीगढ़ सेक्टर 46 में एक महिला ने शुक्रवार की देर शाम फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय रीता यादव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रीता यादव की एक साल पहले संदीप नामक युवक से शादी हुई थी, जिसके घर वाले लगातार दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, जिससे तंग आकर महिला ने शुक्रवार देर शाम को घर वालों के बाहर मार्केट जाने के बाद फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। जब घर वाले लौट कर आए तो अंदर से दरवाजा बंद था। काफी आवाज लगाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो घर वालों ने घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर महिला को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि महिला के रिश्तेदार उमा शंकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि रीता के ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या की है। वही पुलिस अभी हर पहलू पर जाँच कर रही है। मैं रीता की बहन बोल रही हूँ। मेरी बहन को कैसे मारा मुझे नहीं मालूम, बस उसके ससुराल वालों ने उसकी ननद, उसका ससुर, उसकी देवर, उसका पति, उसकी सास इतना टॉर्चर किए तो शायद उसको कोई कदम ऐसा उठाना पड़ा जो हमें नहीं पता। मुझे डायरेक्ट सिर्फ पुलिस का कॉल आया कि तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया है, बट मुझे इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। मेरी बहन बहुत बहादुर लड़की थी, उसने MSc IT कर रखी है, वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। पूरे घर वालों ने मिलके मेरी बहन को मारा है, उसने सुसाइड नहीं किया है। मेरी बहन को इंसाफ दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरी बहन को अगर इंसाफ नहीं मिला तो ये समझ लीजिए देश की किसी भी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। आज तो सिर्फ मेरी बहन गई है, लेकिन कल से हर रोज हजार ऐसे केस होंगे और कभी किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। हर रोज हर घर में एक बहू मरेगी, हर रोज एक बेटी मरेगी, किसी की बहन मरेगी, पर ये मीडिया को, ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे और हम भी हाथ पे हाथ धर के खड़े रह जाएंगे। इसके लिए इंस्टेंट आपको एक्शन लेना होगा और उसके सारे कातिलों को सजा दिला के मेरी बहन की आत्मा को तसल्ली दीजिए। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।